इनसाइड एनालिसिस में आज ट्रिग्नोमेट्री 2009 में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक मारुला क्लासेस एनालिसिस करती है एक ईयर, तो जैसे आज 2009 सेलेक्ट किया है, एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक लिया है, और टॉपिक में ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है जैसे रेशियोज, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, देन इनवर्स, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को भी लिस्ट करेंगे। एक वीडियो में 5 या 3 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, रेशियोज के क्वेश्चन सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं 2009 के, पहला पार्ट है 2009 का। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस, जो इंपॉर्टेंट, जो बिगनिंग का बिगनिंग है, जो भी स्टेप्स हैं हमने वहाँ पे लिखे हैं, एक बार बिल्कुल इनिशियली लेवल पे हर चीज़ देखेंगे। ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी होती है, जब भी इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है, हमेशा देखा गया है कि स्टूडेंट हमेशा थोड़ा सा स्केयर्ड होता है, उसको थोड़ी दिक्कत होती है। अगर यहाँ पे पावर एक जैसी होती तो आपको समस्या नहीं आती, तो पावर को डिफर कर दिया गया, पावर 2 रखी गई, यहाँ पावर 4 रखी गई। तो ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये पूरी प्रॉब्लम लास्ट तक आप देखेंगे, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट बनेगा। तो पूरी प्रॉब्लम को लास्ट तक देखें, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो हमने देखो क्या किया है, यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को कंसीडर किया, उसको एक एक के बराबर दिया गया था, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा लिया है, साइन की पावर 4 को सिंपल आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया है, एक बड़ा रीजन है। हमेशा आप ट्रिग्नोमेट्री या इंटीग्रेशन या कैलकुलस कभी भी पढ़ रहे हो, दो फार्मूले आप एज ए फार्मूला याद रखिए कि कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको मिले तो आप वहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 के यूज़ कर सकते हैं, एज ए फार्मूला रख सकते हैं। तो हमने cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 रखा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 किया, उसका स्क्वायर कर दिया जैसा कि यहाँ बताया गया था कि स्क्वायर है। अब देखिए, ये चीज़ कोई नई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने इस बड़े मतलब cos 2 थीटा को इतना लिखने की वजह से थोड़ा बच जाए, एक्सप्रेशन बड़ी ना हो, हमने उसको क्या मान लिया है x। तो 1 प्लस x अपॉन 2 और 1 माइनस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर केवल और केवल लिखने की वजह से हमने क्या किया, इसको x माना है। आगे सॉल्व किया है, 1 प्लस x बाई 2 प्लस, अब इसका होल स्क्वायर तो आप कर सकते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x बाई 4। इतनी बात समझ आ गई होगी। एलसीएम लिया, 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, 2 प्लस 2x हो जाएगा और 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x। देखिए, इसका होल स्क्वायर खोला ही था, 2x से 2x कैंसिल हुआ, 2 प्लस 1 जब जोड़ेंगे तो 3 3 बाई 4 हो गया, x² बाई 4 हो गया। x को इसलिए माना गया था कि x की जगह cos 2 थीटा लिखने में थोड़ा बड़ा है, एक्सप्रेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिर दोबारा हम लोग क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को cos के फॉर्म में ले आते हैं। कहने का मतलब, फाइनली हम लोगों ने क्या पा लिया, 1 बाई 4, x की जगह क्या माना गया था, cos 2 थीटा, तो इसका स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 3 बाई 4। अब इसको इनइक्वालिटीज़ में कैसे चेंज करते हैं, इनइक्वालिटीज़ में कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान दें, सारी बातें आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि आप समझ पाएँ। cos थीटा 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करता है, ये आपको पता होगा, इनइक्वालिटी यहीं से शुरू हो गई। cos n थीटा क्यों ना हो, वो लाई 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। n थीटा करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ n टाइम्स हो जाए, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बनाना है, नया अननेसेसरी क्रिएट नहीं करना। cos स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये आप अपने आप में की नोट्स बना लीजिए कि मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, बिगनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन को हमें देखना है, तो इस एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि cos थीटा हो चाहे cos n थीटा हो, ये बाउंड्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब भी आप स्क्वायर करें, चाहे इसका करें, 0 और 1 के बीच में आ गया, तो इसकी वैल्यू देखिए हम क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में है। ये वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है। इसका 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 बाई 4 करेंगे।
जब इसकी वैल्यू छोटी उठाएंगे, इसकी वैल्यू क्या उठाएंगे, छोटी मतलब शुरुआत वाली और फिर बाद वाली, तो शुरुआत वाली उठाई तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया जीरो, कितना आ गया जीरो, और यहां पे मल्टीप्लाई करिए, पहले 1/4 हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो जीरो का 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया, और 1/4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया भाई 1/4। अब क्या करना है, इसको दोनों में 3/4 जोड़ना है, तो 3/4 यहां भी जोड़ दिया और 3/4 यहां भी जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 3/4, और ये कितना आ गया 4/4 1 आ गया। इसका मतलब ये जो चीज लिखी गई है इसका ये मतलब था ये था, और इसी का मतलब क्या ये था, तो ऑप्शन आंसर आपके सामने आ गया होगा। कुछ बातें लास्ट में अगर आपको कंफ्यूज करती हैं तो आप उसको इतना आंसर फिर से देखिए, करना आपको क्या है 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, एक बार आपको यहाँ 0 रखना है सिंपल, देखिए एक बार कुछ ना कर पाए तो आप सबसे पहली वैल्यू 0 रखिए, यहाँ पे एक्स का मतलब ये चीज़ 0 रख दी, तो देखो 0 रखने जा रहे हैं आपके पास, 4 × 0 1/4 × 0 + 3/4, तो सीधे सीधे कैलकुलेट करके आया 3/4, कहने मतलब शुरुआत वाली वैल्यू आ गई, तो शुरुआत वाली वैल्यू कौन सी है ये। अब आप लास्ट वाली मैक्सिमम वैल्यू रखिए, तो आप क्या रखने वाले 1, तो 1/4 से 1 रखा +3/4, तो भाई 1/4 + 3/4 कितना आया 4/4 दैट इज 1, तो अपर जो सबसे बड़ी बाउंड्री है अपर बाउंड्री है वो 1 आई, और लोअर बाउंड्री क्या आई 3/4, तो कहाँ पर है 3/4। अब देखो 3/4 यहाँ था 3/4 यहाँ था, मगर अपर बाउंड्री क्या है यहाँ 1 है यहाँ 13/16 है, तो हमारी क्या आई है 1, तो ऑप्शन कौन सा आ गया डी। सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन था, मगर फाइनली आंसर क्या आया डी ऑप्शन आया। आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, आगे वाले क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, बने रहिए लास्ट तक। 2009 में क्या करें धड़ाधड़ इनक्वालिटीज के क्वेश्चन ही आए हैं, टिक्नोमेट्रिक इनक्वालिटीज टाइप के, कोई मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हाँ जब भी अगर वीडियोज स्पेशली टिक्नोमेट्री लेते हैं और इस टाइप क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करें तो एक अलग बात है। तो 2009 में दूसरा क्वेश्चन भी देखें ऑप्शन में अल्फा लाई कर रहा है कहाँ पे कहाँ पे, तो जहाँ 2009 में जिन्होंने पेपर दिया आ गया होगा, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं तो भाई दुआ करूँगा अगर पेपर अच्छा बने, बट आपके साथ ऐसा हो तो पहले से आप ऑलरेडी क्या रहें मजबूती लेके रखें। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन 2x प्लस अल्फा बराबर 0, तो यहाँ पर ऑप्शन से जज हो रहा है कि अल्फा की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। तो सोल्यूशन देखेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन अगर दी गई हैं, टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई तो ऐसी इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस कैसे लेके आते हैं, पूरा पूरा सोल्यूशंस ध्यान देंगे। तो देखते हैं हम लोग सोल्यूशन, देखो पहले क्या किया गया, हम लोगों जो भी इक्वेशन दी गई उसी तरीके से दोबारा फिर से ले ली, जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब ध्यान दें, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इतना हमने लिख दिया, इतना आप लिख सकते हैं खुद से लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर का स्क्वायर किया तो साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 आ जाएगा। ये देखिए ये टर्म और ये टर्म आपके सामने दिखा रहे हैं, इतना हमने ऐड किया है इतना सब्ट्रैक्ट किया, ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर अब जान रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ ए साइन स्क्वायर एक्स माना गया बी कॉस स्क्वायर एक्स माना गया, इससे हमें आराम क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, तो हमने आगे यहाँ पर 1 यूज़ किया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमारा ऐड हुआ था वो हमने देखो यहाँ पे लाके ये चीज़ चेंज की है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो तो आप ये जानते होंगे कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स आप इतने तेज़ तो हो ही गए होंगे मामला क्लासेस की वीडियो पढ़ पढ़ के, हो गए भाई कि नहीं, नहीं हो गए तो पीछे वाले वीडियो को देख लो भाई, मुझे ऐसा भरोसा है कि आप इतना तो इतना अच्छा बन गए होंगे भाई। चलिए देखिए हमने क्या किया, 4 और यहाँ पे 2 का डिवाइड किया, इतना आप जान गए होंगे, और साइन 2x का होल स्क्वायर ये रहा, तो ये देखो ऐसे लिखा गया कि नहीं, ये लिख दिया, बाकी चीज़ें इधर एक्स्ट्रा लिखी गई। अब कोई चीज़ बड़ी एक्सप्रेशन देखो कितना बड़ा रूप था, तो छोटा सा रूप बनाने के लिए हमने क्या किया, साइन 2x को क्या रिप्लेस किया एक्स। कभी भी ऐसे कैलकुलेशन आए तो हमेशा एक कॉमन बात को आप टी या एक्स मान लीजिए। अब इस चीज़ को एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिखने लगी हमें साफ सुथरी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलसीएम ले रहे हैं, तो देखो 2 को एलसीएम लिया तो 2 लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अल्फा ये आपके सामने रहा, और इसको रीअरेंज कर दिया
तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वन प्लस अल्फा। रीअरेंज करने का मतलब इसको हम इधर ले गए प्लस में आ गया, इसको इधर ले गए माइनस में आ गया, इसको भी इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो दोनों माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो टू वन प्लस अल्फा बराबर जीरो। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे वाले स्टेप में श्रीधराचार्य और इनक्वालिटीज का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोग चेक करते थे उस डिस्क्रिमिनेंट को देखने वाले हैं। आंसर आपके सामने होगा, ऑप्शन दोबारा फिर से आपके सामने होंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप सारे आपके आगे सामने करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। यहां पर बात हमने डिसकॉन्टिन्यू की थी पीछे, बस इसको क्या एक्स माना था, तो एक्स बराबर साइन टू एक्स माना था, तो साइन टू एक्स की वैल्यू श्रीधराचार्य मेथड लगाया था, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इनक्वालिटीज के फॉर्म में कैसे लाएंगे पूरा पूरा आप बिल्कुल ध्यान दें। एक बात अभी इनिशियली हमने बताई थी कि साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, वन और माइनस वन के बीच में लाई करेंगे, बात को ध्यान देते रहें। साइन टू एक्स हो वो भी क्या है, वन और माइनस वन के बीच में लाई, इनकी वैल्यू रहेगी, इनकी वैल्यू का मतलब ये रहेंगे। तो आप देखिए वन प्लस माइनस थ्री प्लस रूट, रूट के अंदर थ्री प्लस टू अल्फा भी क्या होगा, वन और माइनस वन के बीच में। हमने बोला है कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो दोनों तरफ करेंगे, तो इसको इधर लाएंगे, माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री प्लस टू अल्फा। अब एक माइनस इधर किया है तो इधर भी क्या होगा, तो वन माइनस वन करेंगे, तो देखो क्या होगा, माइनस टू प्लस माइनस रूट के अंदर थ्री प्लस टू अल्फा। कहीं पर भी समझ ना आए आप इतना से समझिए, इस वन को हटाने के लिए एक वन यहाँ घटाया, एक वन यहाँ घटाया, एक वन यहाँ घटाया, क्योंकि टू साइडेड इनक्वालिटी है। कहने का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बच्चों यहाँ समझिए, आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वन को हटाना है तो टू माइनस वन करेंगे, बिल्कुल ध्यान देते रहे, इतना से ध्यान देते रहे, आपके लिए ये पढ़ाया जा रहा है। थ्री माइनस वन कर रहे हैं, देखिए वन यहाँ घटाया, वन यहाँ घटाया, वन यहाँ घटाया, तो यहाँ कितना आया वन आया, यहाँ कितना आया ए आया, यहाँ कितना आया टू आ गया। तो इस वन को घटाने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा, क्या करना पड़ेगा कि एक जगह हटाएंगे तो दोनों जगह क्या करेंगे वन वन लेस करेंगे, अगर दो जोड़ना भी होगा तो आप क्या करेंगे हर जगह टू टू ऐड करेंगे, डिवाइड करना होगा हर जगह करेंगे। अब एक बात को यहाँ ध्यान दें, अगर आप समस्या में हैं तो ध्यान दें, रूट ऑफ एक्स जो है अगर माइनस टू से ज़ीरो के बीच में लाई कर रहा है, रूट ऑफ एक्स माइनस टू और जीरो के बीच में लाई कर रहा है, देखिए तो प्लस वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव कभी होता नहीं है, तो माइनस रूट ऑफ एक्स लाई कर रहा होगा, तो रूट ऑफ एक्स करेंगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, तो जीरो और टू के बीच में, क्योंकि देखो रूट निगेटिव, यहाँ प्लस माइनस लिया गया था, इतना से बिल्कुल ध्यान दें, प्लस और माइनस लिया गया, जब हमने प्लस वाला पार्ट मतलब तो सपोज इसको रूट एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो रूट एक्स मानेंगे तो एक्स के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसका रूट जब लेते हैं तो रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कैसे देता है पॉजिटिव, तो ये निगेटिव या जीरो के बीच में, तो ऐसा नहीं होगा, तो हम विद माइनस साइन लेते हैं, किसके साथ ले रहे हैं माइनस साइन के साथ, ये माइनस टू और टू के बीच में हो सकता है। अब अगर ए जो है माइनस ए, ध्यान दें माइनस ए अगर जीरो और टू के बीच में है तो ए जो होगा वो माइनस टू और जीरो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ ध्यान दें कि ए लेस देन माइनस ए लेस देन टू है तो ए जो होगा ग्रेटर देन माइनस टू, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इन सारे स्टेप को आप ध्यान दें, इस स्टेप को, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया और ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और चीज़ बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, माइनस थ्री और माइनस टू एक सिंपल सी बात है, जैसे आप बहुत कन्फ्यूज हैं, माइनस थ्री और माइनस टू सेंसफुल वाली बात है कि माइनस टू बड़ा होगा और माइनस थ्री क्या है छोटा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि अगर थ्री और टू करें तो आपको पता है सेंसफुल वाली बात है, मतलब माइनस हटाया तो तीन बड़ा हो गया और दो छोटा हो गया, तो कहने का मतलब माइनस का जब भी ट्रांसफर करते हैं तो इनक्वालिटी क्या होती है चेंज होती है, मगर यहाँ पे इनक्वालिटी चेंज होती है इसलिए नहीं दिख रही कि हमने बोला है कि साइन ऑर्डर वही रखिए, इसका माइनस साइन यहाँ लाइए और इसको इधर ला जाइए, ठीक है। वीडियो छोटा हो यही अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आप समझना चाहते हैं तो यहाँ रुकें, अब रूट ऑफ एक्स जीरो और टू के बीच में है तो एक्स जो होगा यानी स्क्वायरिंग कर दें तो जीरो और फोर के बीच में होगा, तो यही बात यहाँ करते हैं, हमने माइनस साइन को कंसीडर किया है, पूरी पूरी स्टेप को एक बार में दिखा रहे हैं, तो थ्री प्लस टू अल्फा, देखिए जीरो इधर आ जाएगा और फोर इधर आ जाएगा, ठीक है।
ये बात को, पूरी पूरी बात का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया है, बस यहाँ पर 3 + 2 α है, वहाँ पे क्या माना गया है, x माना गया। अब हमने बोला 3 को हटाने के लिए, ये 3 इतने आसानी से नहीं हटेगा, 3 यहाँ पे भी घटाइए, 3 यहाँ घटाइए और 3 यहाँ घटाइए, तो 3 घटाएंगे तो ये 2α आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 घटाएंगे। अब इस 2 को हटाने के लिए 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, तो -3/2 आ गया, अल्फा आ गया और 1/2 आ गया। इतना से आंसर आ चुका है, टैली भी हो चुका होगा, कहीं ना कहीं टैली होगा, कहाँ गया कहाँ गया, और ये सी ऑप्शन मैच कर गया। निम सेट एग्जाम के बहाने एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, अगर आपको लगे कि वाकई में हमने कुछ सीखा है तो फीडबैक जरूर देना बच्चों, ज़रूर। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन लास्ट कंसीडर कर रहे हैं, बताते चले कि 2009 में 6 क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, 6, उनमें से अभी ये तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तो जो 3 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, 2009 का टिक्नोमेंट्री का जब भी वीडियो अपलोड होगा तो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये सारे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 2 पहले वाले क्वेश्चन इनइक्वालिटी और रेशियोस को मिला के था, ये वाला क्वेश्चन इनवर्स का है, पर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब देखने में इतना अच्छा लगता है, माइंड ब्लोइंग है का, एक कहने का मतलब ये, आप जरूर आंसर इसका ध्यान रखो, बहुत बार आया है, दिखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है आगे देखेंगे, बने रहिए लास्ट तक। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और कुछ स्टेप्स हमने दिखाए हैं, बात ऊपर से न करके बात पहले ये करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व होगा, कहने का मतलब शॉर्टकट है, बट अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी ना, कभी कभी बहुत सारे बच्चे ने डिमांड की ट्रिक्स, यार ट्रिक्स तो एक बार में आ जाएगी, बट ट्रिक्स आपको समझना है, ऐसी ट्रिक्स का क्या मतलब, बेस लास्ट स्टेप में हम आगे वाले, अगर आपको ट्रिक्स लगती है ना तो इस क्वेश्चन को आगे फिर से मैं पार्ट रीएवैल्यूएट करूंगा ट्रिक्स बेस पे, एक बार में स्टेप क्लियर होगा, बट यह ध्यान रखें कि सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ट्रिक्स तो फटाफट बता देंगे यार। इधर देखो ये फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला पहले एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज करते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + a × b को लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, पता होगा मुझे, पता है कि इनिशियल है, बिगिनिंग आप इतने शानदार हैं। इसको देखो कैसे लिखा गया, या इसको कैसे लिखा गया है, इस वाले स्टेप को थोड़ा सा हमने 2 × 1 कर दिया है, अब देखो इसको एडजस्ट किया गया, यानी कि 1 को हम 2 - 1 लिख सकते हैं, अगर यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं 3 - 2, तो सारे स्टेप ऐसे जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी 10 inverse 1/(1+n)(n+1), मतलब लास्ट वाले स्टेप ये दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लिख के सारे पैटर्न सिमिलर वैसे चलेंगे, पैटर्न दिखाया जाता है कि ऑब्जर्व करके हो क्या रहा है। तो यहाँ देखो क्या बोला गया है, 10 inverse 1 को लिखा गया (n+1) - (n)/(1+n)(n+1), तो इसको एक्सप्लोर करें तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 10 inverse a - 10 inverse b, तो 10 inverse n+1 - 10 inverse n, बच्चों आया कि नहीं आया भाई, तो सीधे देखो 10 inverse 2 - 10 inverse 3, तो सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 inverse 3 - 10 inverse 2, ठीक है। तो देखो 10 inverse 2 - 10 inverse 1 इसको लिखा, पहले वाले को लिखा 10 inverse 2 - 10 inverse 1, दूसरे को लिखा 10 inverse 3 - 10 inverse 2, तो तीसरे को लिखेंगे 10 inverse 4 - 10 inverse 3, चौथे को लिखेंगे 10 inverse 5 - 10 inverse 4, ऐसे लिखते जाएंगे, देखना बस इतना ध्यान रखना, ये बात समझ आई, नेक्स्ट स्टेप में आंसर फटाफट ध्यान दें, लास्ट स्टेप में बिल्कुल क्रिटिकल है आंसर आएगा। देखिए ये वाले स्टेप को आपको लिखना सिखाया गया था 10 inverse 2 - 10 inverse 1, इस वाले स्टेप को भी लिखना सिखाया गया 10 inverse 3 - 10 inverse 2, आगे वाले स्टेप में भी क्या होगा 10 inverse 4 - 10 inverse 3, तो लास्ट वाले स्टेप में भी 10 inverse n+1 - 10 inverse n, ये बात क्लियर कर लें, पक्की कर लें, पीछे दाके देख लें। अब देखो दो अगर स्टेप को हम ऑब्जर्व करें, केवल 2 स्टेप्स को ऑब्जर्व करें, तो हो क्या रहा है कि इसका पहला स्टेप और इसका लास्ट वाला स्टेप कट रहा है। अगर 3 स्टेप को ऑब्जर्व करें, इन सारे 3 स्टेप को ऑब्जर्व करें, देखो इसका इससे कट गया और ये वाला कट गया, ठीक है, तो देखो हर बार बचा गया कि इसका लास्ट वाला बचता है और लास्ट वाले का पहला, समझ रहे कि नहीं, तो पूरे पूरे स्टेप में करें तो लास्ट वाले का पहला बचेगा और पहले वाले का लास्ट, तो 10 inverse n+1 - 10 inverse 1, अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 10 inverse a - 10 inverse b, तो 10 inverse a (n+1) - 1/(1+1)(n+1), अब ये गया इससे तो ये आया 10 inverse n/(n+1), अब देखो भाई 1 + n+1, अब ये ध्यान रखना थीटा से चले थे हम लोग,
तो क्या आया टेन थीटा, टेन थीटा और आ गया एन अपॉन एन प्लस टू, कहाँ आया आंसर, सी ऑप्शन। लास्ट में मजा आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सारे क्वेश्चन। 2009 में 6 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन टॉप 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और निम सेट एनालिसिस और जेन्यून एनालिसिस कैसी लग रही है आप बताते रहें, जरूर बताते रहें। और कोई भी बात अगर आपको लगता है शेयर करना चाहते हैं, कोई बात अगर आपको लगता है कि एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए गाइडर, कुछ भी लगता है कोई भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है, किसी तरह की पर्सनल या कुछ भी हो, डिस्कस कर सकते हैं। हमारा नंबर फ्लैश होता रहता है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, रिप्लाई थोड़ा देर में मिल सकता है, वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि 1 वीक वेट करना पड़े, बस आप थोड़ा पेशेंस रखें, हम लोग ज़रूर सोल्यूशन देंगे। मुझे लगता है कि आप अपनी बात को रखेंगे ज़रूर। थैंक यू।